प्रभात आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम इप्सा राज है। मैं 7 साल की हूँ। मैं कक्षा द्वितीय सौ में पढ़ती हूँ। आज हमारे विद्यालय में आयोजित हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत कविता प्रतियोगिता में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया है। आज जो मैं आप सभी को जो कविता सुनाने जा रही हूँ, उस कविता का शीर्षक है विपता में निर्भीक रहूं। इस कविता के कवि है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। इस कविता में कवि ने ये प्रार्थना भगवान से ये प्रार्थना की है कि कोई भी संकट या विपत्ति में वो हमेशा निर्भीक और निडर रहे तथा हर संकट में वो डट कर खड़े हो, ईश्वर उनको ऐसी शक्ति प्रदान करे। ये हमारी प्रस्तुति। प्रभु ही पति से मुझे बचाओ, प्राण करो, विपता में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो, नहीं मांगता दुख हटाओ, व्यथित हृदय का ताप मिटाओ, दुखों को मैं आप जीत लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो, विपता में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। कोई जब ना मदद को आए, मेरी हिम्मत टूट न जाए, जग जग धोखे पर धोखा दे और चोट पर चोट लगाए, अपने मन में हार ना मानो, ऐसे नाथ विधान करो, विपता में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो, नहीं मांगता प्रभु मेरी जीवन नैया पार करो, पार उतर जाऊं अपने बल, इतना है करतार करो, नहीं मांगता हाथ बताओ, मेरे सर का बोझ हटाओ, आप बोझ अपना संभाल लो, ऐसे बल संचार करो, विपता में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। दुख के दिन में शीश नवाकर तुम पे राधु करना कर, और दुखों के अंधकार में जगत हसे जब मुझे रुलाकर, तुम पे करने लगू न संशय, ये विनती स्वीकार करो, विपता में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। धन्यवाद।